वेलकम बैक टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफ्यूजन, मीन्स आवर रनिंग टॉपिक इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन अबाउट द डिफ्यूजन वी हैव डिस्कस्ड, बट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक, ऑस्मोसिस। वॉट इज ऑस्मोसिस? स्टूडेंट्स, इफ टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट आर सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ए मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, इफ टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं क्या, दो सॉल्यूशन लेते हैं हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, जो किस में है, डिफरेंट कंसंट्रेशन में हो, जिसमें सॉल्यूट के डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, ए सेपरेट किए गए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, सेपरेट किए गए हों। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के हम सॉल्यूशन लेते हैं और वो सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन, यू नो अबाउट परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस दे आर एंट्री टू सेलेक्टेड पार्टिकल। परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है, मींस क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, सेलेक्टिव पार्टिकल को ही क्या है, उसमें एंट्री देती है, एंड नॉट परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, और ये क्या है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री देती है, और उसमें क्या, लार्ज मॉलिक्यूल डिजॉल्व जो होते हैं उनको एंट्री नहीं देती है, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल। देन ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन अकर, स्टूडेंट या डिफरेंट टाइप का क्या है, एक डिफ्यूजन है अकर। इन सच केसेस वन वुड ऑब्जर्वेशन मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, स्टूडेंट ऑब्जर्व वी वन वुड वी ऑब्जर्व, स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट की जो पार्टिकल होती है वो मूव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, ठीक है, अधिक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल, सच ये फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड, स्टूडेंट्स यह कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेट एज मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इंटरप्रेट हो सकता है कैसे, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इंटरप्रेट होता है क्या, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जब ये क्या है, सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर, सॉल्वेंट क्या करते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, सच ए फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर आर सॉल्वेंट, स्टूडेंट्स वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, थ्रू ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ये सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर यहाँ पे किसका है, वाटर आर सॉल्वेंट्स का, वाटर सॉल्वेंट का क्या है, थ्रू सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, डिफ्यूजन है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, किस तरफ, मतलब जिसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे केयर करने की बात है, सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहाँ पे है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिस तरफ लोअर है, बट
क्या सॉल्वेंट तो हायर कंसंट्रेशन में होंगे, लोअर कंसंट्रेशन जिस तरफ क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन है। फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मूव कर रहे हैं किस तरफ, जिधर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के से लेकर के हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, टू विच मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमीएबल, जिससे क्या है रिलेटिवली इम्परमीएबल होती है क्या मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके फॉर्म ऑफ ऑस्मोसिस, स्टूडेंट ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप, स्टूडेंट ऑस्मोसिस टू टाइप की होती है, एक होता है क्या इंडोस्मोसिस एंड एक होता है एग्जोस्मोसिस, स्टूडेंट्स इंड एंड एग्ज, ऐसे भी आप समझ गए, इंड मीन्स क्या है इनसाइड, एग्ज मीन्स क्या है आउटसाइड। स्टूडेंट यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं इंडोस्मोसिस क्या है, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन टू द सेल्स थ्रू ये सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इंडोस्मोसिस क्या होती है उसमें क्या है एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है किसमें, सेल के अंदर सेमी परमिएबल से हो करके व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। स्टूडेंट्स आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज द सेम, स्टूडेंट किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट ही होते हैं, इफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होते हैं तो आइसोटोनिक होता है वह सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का लेस होता है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हायर होते हैं तो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक जो होते हैं वहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर, वहाँ पे सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो मोर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। ओके इस प्रकार से थ्री टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ओके तो वेन सराउंडेड बाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब वो कोई भी सेल्स हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में रखी जाती हैं, स्टूडेंट्स किसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर रखी जाती हैं तो वहाँ पर क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एंट्री करते हैं। एग्जॉस्मोसिस क्या है, इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल थ्रू विच परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोई भी सेल्स अगर रखी जाती है, सेल्स हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में रख देते हैं तो सेल्स के सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट्स के पार्टिकल हैं वो क्या है आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं, और इंडोस्मोसिस में क्या है जब वो हाइपोटोनिक में रखी जाती है, हाइपोटोनिक में रखी जाती है तो हाइपोटोनिक में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का लेस होता है तो वहाँ पर क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंट्री करते हैं, सेल के अंदर इंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स क्या है फनल फिटेड विद ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीकर है, शुगर सोल्यूशन है, वाटर है, टेक शुगर सोल्यूशन इन द फनल फिटेड विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिश ब्लैडर ले लेते हैं और एग मेम्ब्रेन अप टू मार्क ए एंड पीस इन्वर्टेड पोजिशन इन द बीकर। स्टूडेंट्स इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप किशमिश ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, किशमिश को क्या है शुगर सोल्यूशन, किशमिश को अगर जैसे हम क्या है वाटर में रख देते हैं तो वहाँ पर क्या है किशमिश फूल जाती है, किशमिश फूल जाती है मीन्स क्या है इंडोस्मोसिस हो गया, और अगर ग्रेप्स को हम क्या है शुगर सोल्यूशन में रख लेते हैं तो ग्रेप्स क्या होते हैं श्रिंक कर जाते हैं पिचक जाते हैं, ठीक है तो ये हो जाता है क्या इंडोस्मोसिस एंड एग्जॉस्मोसिस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडोस्मोसिस एंड एग्जॉस्मोसिस। ओके थैंक्स।